Greetings to everyone watching the video. Today, the role of a school is not only to pursue academic excellence, but also to motivate and empower its students to be lifelong learners, critical thinkers, and productive members of an ever-changing global society. AVN pledged to transform education. At AVN, we provide an atmosphere to our students for multifaceted development, where children are encouraged to generalize their potential in the pursuit of excellence. This can be only possible in a holistic student-centric environment. The talents, skills, and abilities of each student need to be identified, nurtured, and encouraged so that he or she is able to reach greater heights. Students need to be provided with a platform to think, express, and exhibit their skills. It is necessary to empower them to negotiate several issues that confront them, with the teacher being a facilitator. The school is striving hard to make the best possible efforts to inculcate strong values combining with academics and extracurricular activities in the children, converting every individual into a self-reliant and independent citizen. The school provides an amalgam of scholastic and co-scholastic activities. The school is also devoted to prepare the students for life, groom them to face the challenges of tomorrow, and encourage them to be socially relevant. The parents are the most strengthening power in molding the future of children. Their consistent support empowers us to do more and more. I pay my gratitude to them and for their faith in us. I'm confident enough that the students of AVN will make themselves stronger day by day, adding a new life to a grandeur of the school. Thank you so much. कार मैं सुनीता, यहाँ पिछले 12 सालों से एक हिंदी अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ का मेरा अब तक का जो अनुभव रहा है बहुत बेहतरीन अनुभव रहा है। यहाँ जो AVN स्टाफ है हमारा, एक परिवार की तरह ही सब बहुत घुल मिल करके आपस में सब सहयोगी हैं एक दूसरे के लिए। लता मैम का भी जो स्वभाव है, जो उनका हम लोगों के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी है, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि मैं यहाँ से कहीं और स्विच नहीं कर रही हूँ, जाना नहीं चाह रही हूँ। अभी जो मेरा मतलब निवास स्थान है वो भी यहाँ से काफ़ी दूर हो गया है, उसके बावजूद भी यहाँ का माहौल इतना आनंदपूर्ण है कि मैं इतनी दूर से सफ़र करके भी इसी स्कूल में अब तक वर्किंग हूँ, और शायद जब तक मैं काम करूँगी इसी स्कूल से ही जुड़े रहना चाहूँगी। थैंक यू। मैं AVN स्कूल में 2017 से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और मुझे यहाँ पर एक घर जैसा माहौल लगता है। यहाँ की जो टीचर्स हैं, लता मैम, नीता मैम, सविता मैम, मोनिका मैम, जितना भी स्टाफ मेंबर हैं, सभी एक हम यहाँ पर फैमिली की तरह रहते हैं। और यहाँ पर बच्चों को हर टीचर्स अपना बेस्ट देती है, चाहे वो मतलब एक्टिविटी हो, एक्सपेरिमेंट हो। हमारा स्कूल एक छोटा होकर, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे बच्चों को ना आती है। यहाँ पर बच्चों को हर तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है, और बच्चों के साथ ना कि एक स्कूल की तरह बिल्कुल एक फैमिली की तरह व्यवहार करके बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो हमेशा टॉप करते हैं, और टॉप करने के बाद अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के बाद भी वो हमेशा यहाँ टीचर से मिलने आते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शैली रखेजा, वर्किंग इन AVN हाई स्कूल फॉर लास्ट 3 इयर्स एज PRT टीचर, एंड आई एम टेकिंग सेकेंड क्लास। एंड एज यू नो, मतलब सेकेंड क्लास में मदर टीचर कंसेप्ट होता है मोस्टली सभी स्कूलों में, एंड वही कंसेप्ट हमारे स्कूल में भी है। एंड फॉर दैट रीज़न यहाँ पे बच्चों और टीचर्स के बीच में, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, फिफ्थ हो, थर्ड हो, बहुत ही फैमिली जैसा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश रहती है हमारी टीचर्स की अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, नॉट ओनली द एजुकेशन पार्ट बट देयर मोटर स्किल्स, देयर फिजिकल स्किल्स, देयर एजुकेशनल स्किल्स, सभी हम उनमें अच्छे से ग्रो कर सकें,
ताकि आगे की लाइफ में जाके उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, दे फील कि मतलब उन्होंने सब कुछ यहाँ से सीखा, और हम वही नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं एंड वी आर सक्सेसफुल ऑल्सो बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे आर यू नो वेल डिसिप्लिन्ड, वेल मैनर्ड, आफ्टर यू नो मतलब बच्चों के साथ एक अच्छा यू नो हेल्दी एनवायरनमेंट देने की कोशिश रहती है। यहाँ पे गेम्स हैं, बच्चों को इंडोर गेम्स प्रोवाइड की जाती हैं, देन शेयरिंग, हाउ दे कैन शेयर द थिंग्स, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, नॉट ओनली द यू नो फिजिकल या एजुकेशनल पॉइंट से नहीं यहाँ पे पढ़ाई की कराई जाती है। तो दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ आवर स्कूल, सो दैट्स द थिंग वी आर इम्पार्टिंग इन आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। Myself Kirti, I have 2 years experience in this school, and in my two years experience I have gained a lot of knowledge from there ki main, and you know that mother is a teacher is the second mother of a student, so we feel a student like our own child, and we try to give them knowledge like me myself mother as I am giving to my own child. So in this way I want to give the knowledge to my these students. Thank you. मैं वर्षा 2006 से इस स्कूल में हूँ और हिंदी और संस्कृत यहाँ पर टीच करती हूँ। जब इस स्कूल का माहौल बहुत ही फैमिलियर है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे से हर तरह की एक्टिविटी, एजुकेशन के अलावा हम उन्हें हर तरीके की चीज़ें सिखाते हैं, नैतिक शिक्षा, हर तरह से किस तरह से आप लोगों को आगे जो है लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने अचीव को छूना है। थैंक यू। मेरा नाम काजल है, मैं इस स्कूल में 3rd क्लास से लेकर 10th तक पढ़ी हूँ। बहुत अच्छा स्कूल है ये और यहाँ की टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं। उनके संग हमारा एक फ्रेंडली था, मैडमें बहुत अच्छे पढ़ाती थी, सपोर्ट करती थी हर चीज़ में, मैडमें आगे से आगे बढ़कर हमें पार्टिसिपेट करवाती थी। ड्राइंग की मैम भी बहुत अच्छी थी, तो ये स्कूल बहुत अच्छा है। अब मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए इस स्कूल में आई हूँ, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, बहुत अच्छा स्कूल है। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं एविन स्कूल के कुछ 10वीं के छात्र, चलिए जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अक्षय। अक्षय, आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। कैसा एनवायरनमेंट आपको यहाँ का लगता है? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्ट्रिक्ट भी है, और यहाँ पे टीचर्स स्टूडेंट्स से अच्छे से मतलब उनका नेचर है, बच्चों को बहुत हेल्प करते हैं, और स्कूल के मुकाबले यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है। अच्छा, कोविड का एक पीरियड आया था, क्या आपको पूरा वो सपोर्ट मिला ऑनलाइन क्लासेस में? जी हाँ, ऑनलाइन में मतलब हमारे जो डाउट्स थे वो सारे तो क्लियर हो गए थे, और मतलब यहाँ पे जब आए थे बच्चे तो सारा सिलेबस भी कवर करवाया था, और मतलब हमारा सिलेबस अब कवर हो ही चुका है, मतलब पेपर अच्छे से दे सकते हैं हम। नेक्स्ट, आपका नाम? श्रेया। अच्छा श्रेया, पहले तो मुझे ये बताओ कि आप कौन सी क्लास में हो? 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में हो। अच्छा, अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, एवियन स्कूल की, तो पहले तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में आई थिंक मैं 100 out of 100 देना चाहूँगी। अच्छा, देखिए हमने बात करी थी 10 की, लेकिन यहाँ के बच्चे इतने सेटिस्फाई है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से कि 100 में से 100 दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा रेटिंग आपने दिया है, उसके पीछे वजह? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो किसी को मतलब अलग अलग नहीं देखते, सबको अपना मानकर पढ़ाते हैं, और यहाँ की एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और टीचर्स बिल्कुल अपनों की तरह लगते हैं, उनसे बिल्कुल भी वो नहीं लगता कि मतलब पढ़ते वक्त कोई डर लग रहा हो, या फिर सब अपनों की तरह पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी एजुकेशन। आपका नाम? रोहित। अच्छा रोहित, मुझे एक बात बताओ कि एवियन स्कूल की बात करें तो एक बेस्ट चीज़ आपको क्या लगती है? यहाँ की टीचर्स बहुत एजुकेटेड है, और ये बच्चों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है, डिटेल में बताती है, और ये अपना समझ के मतलब सबको ये समान देखती है, मतलब समान। अच्छा, हम एजुकेशन को अलग रख के बात करें क्रिएटिविटी की, तो क्या यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए भी सपोर्ट मिलता है? हाँ, टाइकोंडो के लिए ड्राइंग सब है यहाँ पे, सब यहाँ पे। तो आप फुली सेटिस्फाई हो? हाँ। अच्छा, अब आपका 10th स्टैंडर्ड है, ये स्कूल 10th तक है, इसके बाद आप जब जाएंगे तो क्या आप अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को मिस करेंगे? हाँ, बहुत करूँगा मिस। आपका नाम? विष्णु। अच्छा विष्णु, क्या कहना चाहेंगे एविन स्कूल के बारे में? मैम,
ये स्कूल अच्छा है, मैं इस स्कूल से 8th से आया हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं इसे फर्स्ट स्टैंडर्ड नर्सरी से पढ़ता आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे टीचर्स अपने जो स्टूडेंट है वो बच्चों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, ना कि दूसरे जैसे होता है दूसरे के प्रति इतना लगाव अच्छे से जल्दी टीचर को आता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे टीचर्स को हर एक बच्चे को इंडिविजुअल पढ़ाती भी हैं, समझाती भी हैं, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा और समझाती। अच्छा, कोविड की बात करें तो कोविड में अभी जब लोग सारे बच्चे या फिर कुछ ऐसा है कि जनता घर पर है, तो आप स्कूल में सेफ महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं तो सेफ महसूस कर रहा हूँ। प्रिकॉशंस की बात करें तो क्या यहाँ पर सारी प्रिकॉशंस आप लोगों के लिए मौजूद है? यस, यहाँ पे क्लीनिनेस का भी ध्यान रखा जाता है और प्रॉपर मास्क लगा के और अच्छे सैनिटाइजर यूज कर देते हैं यहाँ पे भी। 23 मार्च 2021 एवियन हाई स्कूल खत्रीवाड़ा ओल्ड फरीदाबाद में कार्यरत कुछ टीचर्स की कार्यकाल अवधि समाप्त होने पर उनको गोल्डन गैलेक्सी सीकरी फरीदाबाद में बहुत ही धूमधाम तरीके से फेयरवेल विदाई समारोह का आयोजन कर विदाई दी गई। इस मौके पर स्कूल के फाउंडर श्री जेपी गुप्ता, डायरेक्टर श्री दीपक गुप्ता, पुष्पलता गुप्ता, को डायरेक्टर इशिता गुप्ता, आशीष गुप्ता उपस्थित रहे। पूर्व मुख्याध्यापिका मोनिका वर्मा, सुषमा गिरधर, सरला कटारिया, अनीता नारंग, संगीता भार्गवा, ज्ञानधर सिंह जी ने बहुत ही भावुक होकर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। इस भावुक समय को गेम्स, डांस, म्यूजिक और बहुत सी फन एक्टिविटीज से हल्का और मनोरंजक किया गया था, जिसमें सबने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इंजॉय भी किया। मिसेस नीता गुप्ता को हेड मिस्ट्रेस तथा सुनीता रानी को सीनियर कोऑर्डिनेटर घोषित किया गया। कार्यक्रम समापन के समय फूलों की होली खेली गई तथा चंदन लगाकर सभी ने एक दूसरे को होली की बधाई दी।